ओके सर, हम वो सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे और अडानी साहब ने वो प्लेज करा और सारा गड़बड़ हुआ, लेकिन ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में पीछे अच्छी तेजी रही है। क्या वो कंटिन्यू रह सकती है, या अगर देखे लक्ष्मी सीमेंट की बात करूं तो उसको और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को देखते हुए एक बार व्यू दीजिएगा। सर आपने जेके लक्ष्मी बोला ना, तो जेके सीमेंट बोला। जेके लक्ष्मी, जेके जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर आपको 600 के करीब मिलता है तो इसको एड ऑन और करना चाहिए। हमारे हिसाब से 6 महीने का टाइम फ्रेम अगर देते हो तो 750 रुपये तक आराम से आना चाहिए स्टॉक। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है, रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इस कंपनी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि सीमेंट सेक्टर में मूवमेंट है तो इसमें मूवमेंट रहना चाहिए। अभी एक दिन की बात है, आज निकल जाए उसके कल से वापस सीमेंट सेक्टर शायद अप मूव में आ सकता है और ये 750 तक स्टॉक पे आते हुए दिखेगा। अगर मेरे पास है तो मुझे क्या करना है? तो होल्ड रखें सर, अच्छी सीमेंट सेक्टर कंपनी है आपके पास तो आपको हमेशा होल्ड रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप चाइना का डेटा दिखोगे ना सर, तो 40 बिलियन, 4 बिलियन से ज्यादा सीमेंट की खपत है वहां पर, और हम मिलियन में चलते हैं, 10-12 मिलियन में चलते हैं। तो अभी भी हम सेम जनसंख्या है हमारी और उनकी, ऑलमोस्ट जगह भी ऑलमोस्ट सेम है, बट हमारे सीमेंट की खपत जो है उनसे 1/10 है। तो उतना अगर हम उसके 3-4 गुना भी बढ़ा लेते हैं हमारा सीमेंट की खपत, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे सीमेंट बहुत अच्छा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो सीमेंट बहुत ही अच्छा करना चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सीमेंट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड रखना चाहिए। और ट्रेडिंग बेट के लिए 630 सही जगह, 600 रुपये सही जगह होगा इसको एंट्री करने की। 750 के लिए 550-560 के करीब का स्टॉप लॉस लगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए सर जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट दोनों हमारे फेवरेट पिक में। ठीक है। इसमें एक और चीज भी है लोकेश जी, जो एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जो अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स या जो आंकड़े आ रहे हैं या उससे पहले अभी तक जो जो चीजें हैं उसके अंदर में कहीं मार्जिन बहुत बढ़ा हुआ है सीमेंट सेक्टर का या सीमेंट की कंपनी का, तो वो मतलब उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया मिला है, तो यानी कि वो रिजल्ट शायद बहुत अच्छे रहने की उम्मीद भी है। जी सर उसके अलावा होना ये वाला चाहिए। जो कंसोलिडेशन की भी जो पावर है, जो अडानी साहब ने कहा है कि वो लेकर के एक्वायर करने के बाद में वो डबल करने का प्लान है उसकी कैपेसिटी, तो डबल करने के लिए वो बहुत सारी चीजें जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एक्विजिशन भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, तो छोटी सीमेंट कंपनी का भी कंसोलिडेशन। लेकिन एक बड़ा सर ये वो वैसे वाला मोमेंट होगा क्या, वो जियो वाला जैसा? हो सकता है सर, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा प्लेयर आया है मार्केट में, तो ये छोटा प्लेयर नहीं है। अदानी ग्रुप बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए। बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, 4-5 सीमेंट कंपनी मेनली रह जाएंगी और वो ही मार्केट को डोमिन करेगी। बोलना मुश्किल है आगे के लिए, बट अभी के लिए जो बेहतरीन कंपनीज है उसमें ही इन्वेस्ट करके रखते हैं अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है।